मोबाइल या दिमाग तुम्हारा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आइडियली उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, कभी भी फट सकता है। ग्रेडिंग करने के टाइम मोबाइल फुटेज, बट एक्सपेरिमेंट करने में किसका जान जा रहा है। तो चलो फिर, बर्बाद हो सकता है। क्यों? छोटी सेंसर, किसकी? मोबाइल की। उससे क्या? उससे कलर्स को ज्यादा पुश करने पे फुटेज दम तोड़ सकता है, और मेन शॉट ही हुआ ना बर्बाद। बट एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे तो पैदा कैसे करोगे न्यू स्किल्स को? इसीलिए मैंने इस मोबाइल शॉट, जो बहुत ही ओके टाइप, स्काई पे नो डिटेल्स, नो कलर्स, नो डायनामिक रेंज, इसके साथ किया छोटा सा एक्सपेरिमेंट्स, जो नॉर्मली मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उतना एक्सट्रीम, बट एक्सपेरिमेंट्स में सारे गलती माफ। इसीलिए मैंने सीधा खोल लिया प्रीमियर प्रो, OnePlus Nord 2, जिससे लिया गया है ये फुटेज, जिसके ऊपर दो डेडिकेटेड वीडियो, और इस शॉट में इसका AI वाला फीचर थोड़ा यूज हुआ है, इसीलिए बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर है, बट बाकी सब क्लियर है, आसमान भी। इसीलिए कलर्स और डिटेल्स पेट्रोल प्राइस गिरने की उम्मीद के बराबर है। इसीलिए मैंने पहले ही बैलेंस किया व्हाइट को, थोड़ा वार्म के साइड टेम्परेचर एंड थोड़ा ग्रीन के साइड टिंट को, ताकि थोड़ा बहुत कलर्स का सेपरेशन आ जाए, जिसके ऊपर मोबाइल फुटेजेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिजिटल शार्पनिंग एंड डिजिटल कॉन्ट्रास्ट, उसको डिजिटली थोड़ा कम किया कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर से, फिर 5 सेकंड शेडोज एंड हाईलाइट्स पे बिता के सीधा कर्व से मिड टोन्स को थोड़ा डार्क के साइड, ताकि मेन पॉइंट पे थोड़ा कलर्स आए, ताकि स्काई की मेन पॉइंट पे थोड़ा कलर आए, और शेडो पॉइंट को ना थोड़ा ऊपर किया फॉर शेडो का डिटेल्स, गरम वार्म टोन्स को ही मुझे सिर्फ फोकस करना था स्काई पे। इसीलिए जो बाकी सारे कूल टोन्स थे, उसे ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व से पॉइंट्स क्रिएट करके नीचे करके सैचुरेशन को कम कर दिया, क्योंकि कलर्स तो ऐड करने थे ही लास्ट में, बट अभी कलर व्हील से शेडो में थोड़ा ब्लू और हाईलाइट में थोड़ा येलो देके सीधा चला गया इफेक्ट्स कंट्रोल में। इस ल्यूमेट्रिक ग्रुप को कर दिया डुप्लीकेट, देन रीसेट, क्योंकि कलर्स लाना है नीचे इस पार्ट में मास्क से। रेक्टेंगल सही है थोड़ा फेदर देने के बाद, क्योंकि टेम्परेचर को थोड़ा ब्लू साइड पे एंड मिड टोन्स पे थोड़ा टील कलर देने पे ही ना इस सेक्शन पे कलर्स एंड डेप्थ आ रहा था, बट अब चाहिए जुदाई। जे जे सेपरेशन स्काई पे, तो एक और बार डुप्लीकेट, देन रीसेट, देन मास्क, उसको जिस जगह पे चाहिए था वहां पे फेदर के साथ बिठा के पूरा उल्टा प्रोसेस इस बार, थोड़ा येलो टेम्परेचर में भी और हाईलाइट में भी। ये होराइजन पे फॉग ऐड कर सकते है क्या? ये सोचने पे हाथ ऑटोमेटिक चला गया एक और डुप्लीकेट पे, देन उस जगह पे मास्क। अब ये फॉग या मिस्ट है क्या? वेल, है तो एक अलग एपिसोड, बट फॉर दिस वन कुछ स्पेसिफिक जगह पे फेडेड कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स। तो मास्क को सिलेक्ट करके बेसिकली मैंने कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम किया एंड क्रिएटिव सेक्शन में से फेडेड वीडियो को ना थोड़ा इंक्रीज किया, बट कलर्स को ना टेम्परेचर एंड मिड टोन से थोड़ा मैच करना पड़ा। नॉट बैड, मतलब अच्छा है, और अच्छी चीजों की ही कॉपी होती है, तो इसे भी कॉपी करके दूसरी साइड, सटल चेंज बट गुड आई थिंक। अब मैं ही सोच रहा हूं तो कम क्यों सोचना, तो अलग एक एडजस्टमेंट लेयर पे गॉशियन ब्लर देके इंटेंसिटी को तगड़ा रख के मास्क दे दिया एंड ब्लेंडिंग मोड को लाइटन, और भी मिस्ट दोनों तरफ, जिसके साथ नीचे वाले पार्ट पे भी अलग से थोड़ा डार्क, जिसे टक्कर देने के लिए ऊपर भी एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे सेम गॉशियन ब्लर वाला टेक्निक, बट इस बार ब्लेंड मोड स्क्रीन। क्यों? एक्सपेरिमेंट्स भाई, बट कम ओपेसिटी पे। ओपेसिटी कम हो सकता है बट कलर्स नहीं, बोर्ड रिजल्ट्स के पहले का चेहरा थोड़ी है, तो रंग ज्यादा चाहिए मुझे स्काई पे, और कर तो रहा था एक्सपेरिमेंट्स ही ना, तो ले लिया एक कलर मैट, जिससे इस स्पीकर से मैंने उस कलर को पिक किया जिसे मुझे एनहांस करना था, और उसी कलर की बहन को चूज, और थोड़ा रंगीला वाले ऑप्शन को चूज करके कर दिया ओके। अब इसको फुटेज के ऊपर ला के मास्क से जगह सेट करके ब्लेंड मोड कर दिया सॉफ्ट लाइट। अब आसमान में रंग भर ही दिया है तो जमीन को क्यों छोड़े, तो सेम वही एक न्यू कलर मैट टेक्निक बट विद अ टील कलर, और एक्सपोजर भी ना थोड़ा कम, जिससे ये निकल के आ गया जो मैं नॉर्मल वीडियोस में कभी नहीं करूंगा शायद, बट ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही था, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में थोड़ी भेजना है, तो जस्ट मुझे देखना था कि कलर से, सिर्फ कलर ग्रेडिंग से, विदाउट एनी एडिशनल इफेक्ट्स, जो कर सकता था कुछ टाइम पे किया, जिसका स्टोरी तुम अब तक सुन रहे थे, और स्टोरी सुन के तुम इस फुटेज की तरह पीछे मुड़ के चले जा सकते हो, या फिर बट ऑलवेज रिमेंबर टू एक्सपेरिमेंट विद क्रिएटिविटी, बस इतना ही। अरे वो तूने देख भी ले एक्सपेरिमेंट्स, हाँ तेरा तो वो, अरे पैसों का क्या, दे देना यार, कोई बात नहीं।
अच्छा सुनना भाई, नोलन ये पूछ रहा था कि इंसेप्शन 2 फिर आज वाले।